हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, अबे यार रिमोट नहीं दिखाया। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, आई होप सभी के सभी बढ़िया होंगे। भाई इसके बाल देख रहे हो ना, बाल एकदम रफ्तार जैसे लग रहे हैं ना मस्त लग रहा है मेरे को तो भाई। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉर्ट रेंज टिप्स एंड ट्रिक्स। ये गाइस, अगर आप चैनल में न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यूट्यूब कभी कभी अनसब्सक्राइब कर देता है अपने आप, तो एक बार फिर से देख लेना यार, एक सेकंड के लिए फिर से आप सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दोगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो गाइस बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइस, टिप नंबर वन की बात करते हैं, जो कि है गाइस डिसीजन मेकिंग। अब गाइस इस वीडियो क्लिप को देखो, जहाँ पर मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा हूँ। अब गाइस देखना, यहाँ पर मैं कितनी ज़्यादा बार अपना जो प्लान होता है, जो मेरा डिसीजन होता है, उसको चेंज करना पड़ता है। मतलब मैंने एक प्लान किया, वो प्लान के अकॉर्डिंग मतलब गेम प्ले नहीं चला, तो मेरे को अगर कुछ अजीब लगता है या कुछ सरप्राइज मिलता है तो मेरे को डिसीजन चेंज करना पड़ेगा। तो गाइस देखो, यहाँ पर मेरे सामने जैसे ही ग्लू वॉल गायब हुआ, यहाँ पर एक बंदा आ गया जिसको मेरी खबर नहीं थी कि मैं यहाँ पर छुप के बैठा हूँ। और गाइस मैंने उसको जैसे नॉक किया ना, अब गाइस ध्यान से सुनना, पीछे से गाड़ी आ रही है, मतलब दूसरी स्क्वाड रश कर रही है। मुझे ये पता था गाइस तीन बंदे इसके अंदर घर में पहले से ही छुप के बैठे हैं, तो गाइस मैं यहाँ पर फाइट नहीं ले रहा था। और गाइस एक और स्क्वाड आ गई तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता था नीचे। तो गाइस यहाँ पर मैंने वीडियो को पॉज कर दिया है। अब गाइस देखो, सामने बंदा है और मेरी एमओ देखो कितनी है शॉर्ट रेंज के अंदर, सिर्फ 10 गोलियां हैं। तो मेरे को उसके ऊपर रश करना ही करना था, क्योंकि मेरे को शॉर्ट रेंज की गन चाहिए थी। तो गाइस जैसे ही मैं उस पर शॉर्ट रेंज की मतलब फाइट लेने गया, तो गाइस अब देखना कि मैं नीचे कूद जाऊंगा। अब गाइस देख के बताना मैं नीचे क्यों कूदा। तो गाइस आपको क्या लगता है कि मैं नीचे क्यों कूदा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, उस बंदे के पास थी शॉर्ट गन, तो गाइस जैसे ही मैं उसके मुंह पे जाता तो मैं मर जाता, इसीलिए मैं उसके पास गया। लेकिन मैंने यहाँ पर देखो सीढ़ी के अंदर एक बंदा दिख रहा है, तो मुझे पता था गाइस एक बंदा और आने वाला है। अगर मैं उसको डाउन भी कर दूंगा सामने वाले को, तो वो पीछे वाला मुझे फायदा उठा लेगा और मेरे को डाउन कर सकता है। और गाइस मुझे यहाँ नहीं पता होता कि सोलो वर्सेस स्क्वाड में एक स्क्वाड का बंदा है या वो उसकी टीम का बंदा है। तो गाइस यहाँ पर दो स्क्वाड आ चुकी थी। अब गाइस देखना कितनी बार मैं मतलब अपना डिसीजन होता है वो चेंज करता हूँ। अब गाइस देखो, यहाँ मैंने जैसी ग्रेनेड फेंका, मैंने ये क्या किया। अब गाइस दोबारा से दिखाता हूँ मैंने यहाँ पर क्या सोचा था। अब गाइस यहाँ जैसे ही मैंने नेड फेंका था, तो मुझे पता था सामने वाला जो क्रेट है उसके अंदर SMG MO पड़ी है। तो गाइस मैं उसको लूटने जा रहा था, और मैंने यहाँ पर देखा एक एनमी इसके पास जा रहा है, तो मुझे पता था उसके पास पास करना है, तो मेरे को पास से मार सकता है। तो मैं बाहर चला गया उसको कन्फ्यूज़ करने के लिए। लेकिन गाइस यहाँ पर मुझे एनिमी नहीं दिखा, क्योंकि वो एक मिली सेकंड के लिए ही मेरे सामने आया था, लेकिन वो सामने टप गया था। तो यहाँ पर मैं कंफ्यूज था कि कहाँ जाना है, तो मैं हमेशा ये पीछे वाला जो सोफा है ना, इसके पीछे जाने के लिए छुपने के लिए सोचता हूँ। लेकिन गाइस मैं यहाँ पर भी नहीं जाता हूँ, क्योंकि गाइस मैं लास्ट क्लिप में दिखाऊंगा आपको, जैसे मैं उसके पास गया था ना, तो वहाँ पर एक और बंदा मतलब गाड़ी से निकल के आ रहा था। तो मैं सोच रहा था गाइस अगर वहाँ पर मैं खड़ा रहूँगा उसके पीछे, तो मेरे को वो पीछे से मार सकता है। तो गाइस वहाँ पर भी खतरा था और यहाँ पर भी खतरा था, इसलिए मैं फिर से आया, फिर से लूट करने लग गया। तो गाइस जैसे ही लूट खत्म हुआ, मैं बाहर गया इस वाले बंदे को मारने के लिए, जो कि मेरे को खिड़की से दिखा था। तो गाइस लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, खिड़की वाला बंदा नहीं दिखा मुझे, बल्कि जो लड़की थी वो बाहर गई थी वो दिख गई। तो गाइस जैसे ही दिखी मैं अंदर आ गया वापस, फिर से डिसीजन चेंज किया, और गाइस मैं सीधा ऊपर चला गया। अब गाइस मुझे पता था कि एक बंदा नीचे कूदा है, तो जैसे कूदा था वो नीचे, तो मतलब नीचे फाइट होगी, और यहाँ पर मुझे कोई भी बंदा नहीं दिखा। तो गाइस नीचे उसने दूसरे बंदे को मार दिया, जो लड़की थी उसको मार दिया। अब गाइस मेरे को पता था यहाँ से मैं बाहर जाऊँगा, और गाइस मेरे को बंदा दिखा जैसे ही मैंने उसको मारा ना। अब गाइस देखो, फिर से मैं अंदर जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ ये भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि गाइस इस बंदे को जैसे मैंने डाउन किया था, मुझे पता था इसके साथ वुकोंग है, मतलब जो टीममेट था इसका वुकोंग है, क्योंकि मैंने ऊपर जाके देखा था तो यहाँ से वुकोंग लड़ रहा था। और जिस वक्त वो मरा था ना, एक बंदा मरा था, तो मुझे क्या पता कि वो लड़की मरी थी या वुकोंग मरा था, क्योंकि गाइस जिस वक्त वो उसका किल आया था, उस वक्त लिखा आया था कि MP5X से मारा गया है। तो गाइस वो जो लड़की थी उसके पास MP5X नहीं थी, उसके पास थी स्पास। तो गाइस मुझे पता था कि वो लड़की मर चुकी है, उसके साथ होगा वुकोंग। तो गाइस वुकोंग को मारने के लिए मैं फिर से अंदर गया, ताकि वो कंफ्यूज हो जाए, वो इसको हील करने लग जाए। जैसे उसने हील किया, कंफ्यूज हो गया, मैं फिर से पूरा घूम के गया और वापस आके इसको मार दिया। और गाइस देखो, दो बंदों को मारा और बिल्कुल भी HP मेरी डिक्रीज नहीं हुई, मतलब 10 HP गई और मैंने दोनों बंदों को मार दिया। तो गाइस देखो अंदर क्यों गया, क्योंकि मैं इसको जब डाउन किया ना, जैसे ही डाउन किया अपने टीममेट को बोलेगा कि भाई मेरे सामने बंदा है, जल्दी आ, तेरे सामने दिखेगा। और जैसे ही उसको दिखा, उसने कहा कि भाई वो चला गया, जल्दी से मेरे को हील कर। तो गाइस वुकोंग को इसने बताया कि भाई वो भाग गया है, मतलब घर के अंदर चला गया है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि घूम के आएगा, तो उसने एनिमी अपने जो टीममेट है उसको कहा होगा कि हील कर दे, मुझे रिवाइव कर दे। तो गाइस जैसे वो रिवाइव करेगा, वो मेरे से ध्यान उठकर मतलब उसका रिवाइव पे चला जाएगा, वो रिवाइव पे चला गया और मैंने उसको फिर से घूम के
मार दिया। तो गाइस ऐसे डिसीजन चेंज करने से इतना ज़्यादा फायदा होता है कि आपका जो पूरा एचपी डिक्रीज हो जाने वाला था वो आप 10 एचपी में पूरी स्क्वाड को मार सकते हो। तो गाइस ऐसे डिसीजन चेंज करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अब गाइस कुछ ऐसी क्लिप्स दिखाता हूँ जो मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, जो मैंने नोटिस की थी। तो गाइस यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको नॉक किया था तो मैंने इसको फिनिश क्यों किया था ये भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि गाइस अगर मैं इसको फिनिश नहीं करता तो मुझे पता था ये गाड़ी में पीछे एक बंदा आया है, और गाइस जैसे ही मैंने इसको मारा तो मैं अंदर जाने वाला था तो मैंने उस बंदे को देखा भी था, तो वो बंदा मेरा किल टपा सकता था, इसीलिए मैंने उसको पूरा मार दिया। तो गाइस अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की, जो कि है डोंट फाइट इन शॉर्ट रेंज व्हेन ऑल एनिमीज आर टुगेदर रशिंग यू। तो इसका मतलब यही है कि जब सब के सब मतलब चार बंदे एक साथ आप पे रश कर रहे हैं तो आपको शॉर्ट रेंज में कभी भी फाइट नहीं लेना है। तो गाइस आपको पता होगा कुछ लोग पूछेंगे कि भाई तुमको क्या पता चार बंदे लड़ रहे थे एक साथ। तो गाइस यहाँ पर मैं उससे पहले से ही पंगा लेके बैठा था, जैसे मैंने उनको मारा वो मेरे पीछे पड़ गए, चारों एक साथ आए थे। तो गाइस मैंने क्या किया कि पीछे से घूम के उनको लगेगा कि ऊपर चला गया, वो अभी भी बॉम्ब मार रहे हैं, फ्लैश मार रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि पीछे से घूम के मैं इन्हीं के घर में चला गया, मतलब जहाँ से इन्होंने रश किया है वहीं पर मैं चला गया और इनको पीछे से मैंने देखा भी। अब गाइस मेरा यहाँ पर मोटिव यही था कि एक बंदा अगर खुले में खड़ा मिल जाए तो मैं उसको पूरा मार दूंगा, मतलब और यहाँ पर मैंने देखा भी गाइस एक बंदा जैसे ही ओपन में आया मैं उसको पूरा फिनिश करने में कामयाब हो गया। तो गाइस आप समझ गए होंगे सभी बंदों को एक साथ नहीं मार सकते, उनको एक एक करके मारना पड़ता है, इसीलिए आपको पोजीशन भी चेंज करनी पड़ती है। तो गाइस अब बात करते हैं टिप नंबर 3 की, जो कि है चेंज योर पोजीशन आफ्टर किल। तो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने जब लॉन्ग रेंज में इस बंदे को मारा था, अब मुझे पता है गाइस एक बंदा इनका मर चुका है, चार बंदे में से एक बंदा मर गया तो तीन बंदे मुझ पे रश करेंगे, एक बंदा भी कर सकता है लेकिन पता नहीं है कुछ भी, तो यहाँ पर बैठा रहना मेरे लिए सही नहीं है। तो मैं पीछे चला गया, अब मुझे आवाज़ भी आ रही थी कि कोई बंदा मेरे पे रश कर रहा है, तो मैं यहाँ पर आकर बैठ गया एकदम परफेक्ट पोजीशन में कि जैसे ही बंदा आएगा मैं उसको सरप्राइज करके मार दूंगा। अब गाइस इसको मारने के लिए मैं यूज़ करूँगा टिप नंबर 4 का, टेक एडवांटेज ऑफ योर एनिमीज रिएक्शन। तो गाइस इसमें होता क्या है कि एनिमी की रिएक्शन को अपने को समझना पड़ता है कि किस वक्त वो फायर कर सकता है, किस वक्त नहीं कर सकता है। अब गाइस देखिए, अगर मैं सीधा जाऊंगा तो वो मुझे मार दे सकता है, इवन अगर उसकी हेल्थ कम है तो, अगर उसका हाया तो यूज़ कर रहा होगा तो मेरी जितनी भी वेस्ट होगी सब फट जाएगी और मैं मर जाऊँगा। तो गाइस कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि एनिमी की हेल्थ कितनी है और वो अपने को मार सकता है या नहीं मार सकता। तो गाइस देखो, एनिमी को मैं पहले ही इतना डैमेज दे चुका हूँ, मतलब इसका हाया तो अब काम कर रहा है, मतलब अगर हाया तो काम कर रहा है तो आप समझ लीजिए वो एनिमी जो है उसका पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर आपको वो हेडशॉट मारेगा तो आपकी वेस्ट कुछ भी काम नहीं करने वाली है, ना ही आपका हेलमेट काम करने वाला। अगर गलती से भी आपको हेडशॉट लग गया तो उसका फुल डैमेज आएगा, आपके 100-100 का डैमेज आएगा और आप मर जाओगे। इसीलिए गाइस मैं आगे गया, एक ग्लूबल मारा जिससे वो एनिमी कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि कब मारना चाहिए कब नहीं मारना चाहिए। तो जैसे ही मैंने उसको कन्फ्यूज़ किया वो पीछे भाग गया, उसको पता था ये भाई एनिमी मतलब जो मैं हूँ वो बहुत ज़्यादा प्रो है, इसलिए वो पीछे भाग गया और मैंने उसको मार दिया। तो गाइस अब बात करते हैं टिप नंबर 5 की, यूज़ योर मिली वेपन। अब गाइस कुछ लोग सोच रहे हैं कि मिली वेपन से मुंह पे मारना होगा, लेकिन ये ट्रिक नहीं है गाइस। अब देखो जैसे मैंने पीछे वाले बंदे को मारा था, अब गाइस यहाँ पर देखो जैसे मेरे सामने बंदा आया मैं कन्फ्यूज़ हो गया, मैं सीधा ऊपर भाग रहा हूँ और वो मेरे को पीछे से अगर मारेगा तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है और मेरे को ड्रैग हेडशॉट बहुत ज़्यादा लगेगा। क्योंकि मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बता रखा है अगर 180 डिग्री पे किसी के साथ भागते हैं या वो सीधा मुँह पे आ रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ड्रैग हेडशॉट लगने के। तो गाइस यहाँ पर मैंने क्या किया कि जैसे मैं ऊपर गया, जाने को तो मैं बैट लेके भी जा सकता था लेकिन मैंने वो लेके नहीं भागा, मैं गन लेके भागा ताकि जो मेरा पीछे वाला मिली वेपन है वो यूज़ हो और मतलब पीछे वाले गोलियां मेरे को कम लगे। और गाइस ध्यान से सुनना, कुछ गोलियां मेरे को परांग पे भी लगी थी। अब गाइस ध्यान से सुनना इसको, इसीलिए मैं ऊपर जाके बच गया और मैं घूम फिरा के कहीं और आ गया और वो कन्फ्यूज़ हो गया। तो गाइस यही थे हमारे टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो गाइस मिलूंगा ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए यार बाय बाय एंड टेक केयर।